तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, अभी तक तो आपने ये न्यूज सुनी ली होगी कि पठान 2 का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो मैं यहाँ पर और एक्स्ट्रा खास क्या बता सकता हूँ, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत सी ऐसी अपडेट लेके आया हूँ जो आपको वाकई में हिला के रख देंगी और एक ऐसा बूस्टर देके जाएंगी कि पठान 2 के लिए आखिर आपको क्यों वेट करना है, क्यों इस मूवी को उतना ज़्यादा देखने के लिए आपको तरसना है, तड़पना है। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, वीडियो को एक लाइक, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वैसे स्पाई यूनिवर्स की 8th फिल्म होने वाली है और इस मूवी को लाने का एक बड़ा ही सॉलिड क्लियर कारण ये नज़र आया, क्योंकि टाइगर 3 बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई और उसके बाद जो स्टोरी राइटिंग होने वाली है, और सबसे बड़ी बात क्योंकि यहाँ से जो पठान 2 आने वाली है इसमें बहुत से की रोल्स ऐसे होने वाले हैं जहाँ से स्टोरी बूस्टर होगा, मतलब स्पाई यूनिवर्स जो कर रहा है ना, इंटर कनेक्शन लिंक जो सेट कर रहा है, वो ये मूवी बहुत बेहतरीन तरीके से करने वाली है। आइस ऑफ द ब्रेक कह सकते हैं, हिंदी में जीर्णो द्वार कह सकते हैं, मतलब बहुत सी नींव इस मूवी से रखने जाने वाली है, खासकर किसकी, टाइगर वर्सेस पठान की। और ऋतिक बावा जो हमें टाइगर 3 में कहा लास्ट में हॉकाई वाला लुक, वो निगेटिव रोल देखने को मिल रहा था, वो यहाँ से क्लियर एंड कट साफ नजर आने वाला है। दूसरा भाई, इस मूवी को इंटरनेशनली टारगेट करने की भी बात चल रही है, और इंटरनेशनली टारगेट का मतलब क्या है कि पठान 2 में कहानी क्या हो सकती है, भाई साहब कहीं से ये भी निकल कर आ रहा है कि रॉ वर्सेस CIA होने वाला है, और CIA की एंट्री होगी तो यहाँ पर नया चेहरा भी इंट्रोड्यूस करा जाना चाहिए, और नए चेहरे के लिए जो फैंस हैं जो स्पाई यूनिवर्स को जो बूस्ट करते हैं अपने वायर अप वाले को, वो फैंस भाई सजेशंस पे सजेशन दिए जा रहे हैं एज विलियन की, हमें ये बंदा देखने को मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। लाइक भाई सैफ अली खान का नाम सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और माशाल्लाह क्या, और अगर ये बंदा आ गया तो एज नेगेटिव रोल में हम इसका पोटेंशियल जानते हैं। दूसरा भाई, कहीं ना कहीं जॉन सीना का नाम भी सजेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ये उतना पॉसिबल तो लगेगा नहीं, लेकिन CIA का एंगल अगर ये सेट करेंगे तो हु नोज। और दूसरा, वायरफ वाले भाई पहले से ही चोट खाए पड़े हैं, क्योंकि टाइगर 3 से उन्हें बहुत उम्मीद थी कि ये मूवी फाड़ के जाएगी, तो हो सकता है फैंस की सुन ली भी जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी 1% के आसपास है। लेकिन मेन बात जो इस मूवी में होने वाली है विलेन के एंगल के रूप में, तो भाई ऋतिक रोशन एज कबीर, ये हमें निगेटिव रोल में यहाँ से साफ एंड क्लियर कट देखने को मिलने वाला है। दूसरा, विलेन के कैरेक्टर में जो जूनियर NTR वॉर में नजर आने वाला है, उसका भी लूप होल यहीं से सेट होगा कि वाई ही टर्न्ड इनटू अ विलेन एज निगेटिव रोल। दूसरा भाई साहब, जूनियर NTR का प्रॉमिस यहाँ तक आ रहा है कि ये वायर ऑफ यूनिवर्स में जो विलेन का रोल है बहुत ही जबरदस्त फाड़ लाने वाला है, थैनोस से भाई कंपैरिजन करे जा रहे हैं एक बार के लिए, तो एक्साइटमेंट है भाई साहब इस बंदे के लिए। दूसरा, वॉर 2 में तो मजा आएगा ही आएगा। दूसरा भाई, टाइगर वर्सेस पठान का जो लूप होल जो लिंक सेट हो रहा है वो भी यहाँ से निकलने वाला है। दूसरा भाई, दीपिका पादुकोण तो हमें इस मूवी में देखने को मिलने ही मिलने वाली है, साथ में भाई कियारा आडवाणी का भी रोल इसमें होने वाला है, और कहीं ना कहीं आलिया भट्ट का भी नाम इसमें नजर आते जा रहा है। तो भाई ऐसे में बजट कितना पहुंच जाएगा, क्या 500 करोड़ से ऊपर इजिली पहुंच जाएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े जब दिग्गज नाम सामने आ जाएंगे, और अगर जॉन सीना भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा, तो हु नोज बजट 800 से 1000 करोड़ भी पहुंच जाए, तो फिर ये मूवी कमाई कितनी करेगी। देखो पठान ने फर्स्ट पार्ट ने एम ही कमाई कर ली थी 1000 करोड़ की, तो इससे तो उम्मीद कर ही सकते हैं कि 2000 करोड़ ये मूवी इजिली ठोंक जाएगा। वैसे मूवी की शूटिंग एंड ऑफ दिस ईयर 2024 में स्टार्ट हो जाएगी, कब, अक्टूबर में बताया जा रहा है कि ये स्टार्ट हो जाएगा, देन आफ्टर वॉर 2 ये मूवी हमें मिल जाएगी देखने को। तो इसके लिए कितना वेट है, ये मूवी कितना बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन कितना कर सकती है, ये लोग तो कौन कौन कितना एक्साइटेड है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर, चाहिए।